रोगी बीमार रोग का बीमार हो गया है, लेकिन उसके इलाज के लिए कोई सरकार पूरी व्यवस्था कर देगी, किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन हमारी सरकार ने, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने बहनों भाइयों आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत यह व्यवस्था कर दी है कि यदि कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उसका पंजीकरण है तो 5 लाख रुपए तक का उसका प्रतिवर्ष मुफ्त इलाज किया जाएगा। इस देश में पहली बार किसी ने यह योजना प्रारंभ की, पहली बार। और मैं कहूंगा यहां पर डेनियल किसको को कहूंगा, क्या जनता आपको विधायक बनाने जा रही है? लेकिन विधायक बनने के बाद पहला काम यह करना कि जितने भी गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले, उन सबका आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करा देना, ताकि उनके परिवार में भी कोई बीमार हो जाए तो 1 साल में कम से कम 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज हो जाए, एक ऐसी व्यवस्था करा देना। यह मैं कहना चाहता हूं डेनियल किसको को, और यही मैं कहना चाहता हूं देवी प्रसाद गुप्ता को, इन बातों का ध्यान रखिएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, 5 लाख रुपया खर्च करने के बाद भी यदि आपकी बीमारी 1 साल में ठीक नहीं होती है तो हमारी सरकार का यह फैसला है कि दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए का और मुफ्त इलाज किया जाएगा। यह व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है। और मैं तो कहना चाहता हूं, मैं अपने प्रेस के लोगों से भी कहता हूं, हमारी कोई भी बात गलत हो, कोई भी बात गलत हो, अखबार में लिख दीजिएगा कि राजनाथ सिंह आए थे, वह गलत बोल कर गए, जनता से झूठ बोल कर गए, गुमराह करके गए, हमारी गलती होगी तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, जिंदगी में हमने राजनीति की है तो जनता की आंखों में भूल झोंक कर राजनीति नहीं की है, जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति की है, धन्यवाद। इसलिए मैं बात कह रहा हूं, जिन योजनाओं की मैं चर्चा कर रहा हूं, आजाद भारत के इतिहास में इतने प्रभावी तरीके से इन योजनाओं को चलाने का काम यदि किसी सरकार ने किया है तो बड़े जो भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल वालों की सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कोई वो सोच नहीं सकता जिस काम को किया है हमारी सरकार ने। क्या कभी किसी ने सोचा था कोई सरकार आएगी जो हर साल किसानों को 6,000 रुपया उनके खाते में डाल देगी? और यहां किसानों को कितना मिला है कि नहीं मिला? मैंने कुछ लोगों को मिला है, मैं यहां दिखाई जिन लोगों को मिला, अरे वाह, मिला है, मिला है, मिला है। और मैं तो बधाई देना चाहता हूं यहां के मुख्यमंत्री को, रघुवर राव जी को, कि उन्होंने देखा कि केंद्र सरकार के हर किसान के खाते में 6,000 रुपया डाल रही है, तो उन्होंने कहा कि प्रति एकड़ हम 5,000 देंगे और 5 एकड़ तक 25,000 देंगे। अब उन्होंने भी देना प्रारंभ कर दिया है राज्य सरकार, और जिनके खाते में नहीं पहुंचा है आप पक्का मानिए एक भी किसान नहीं बचेगा, सबके खाते में वह पैसा पहुंच जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, सबके खाते में वह पैसा पहुंच जाएगा। यह हम सब सारी व्यवस्थाएं, यानी गरीब आदमी का भी दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले, गांव के रहने वाले, कस्बों के रहने वाले गरीब लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार आना चाहिए, इसके लिए हमारी सरकार बराबर प्रयत्न कर रही है। और हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। यहां पढ़े लिखे लोग जो बैठे होंगे उनको इस बात की जानकारी होगी, जब हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा जनसंघ के रूप में प्रारंभ की थी उस समय भी हम लोग कहते थे कि भारत में एक विधान, एक प्रधान और एक निशान रहने चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत के आजाद हो जाने के बावजूद जम्मू काश्मीर का जो राज्य था, यह जो क्षेत्र था, उसका जो मुख्यमंत्री होता था उसे प्रधानमंत्री कहते थे, वजीर आजम कहते थे। और जम्मू काश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां का संविधान भी अलग, जम्मू काश्मीर के भारत का हिस्सा होते हुए भी वहां पर
उसका झंडा दिया जाता, हमारा तिरंगा झंडा है, उनका दूसरा झंडा होता। तो हम लोग जो अपने घोषणा पत्र में इसको लिखते थे तो लोग ये कहते थे कि जनसंघीय और भाजपा वाले जब आते हैं तब ये लिखते हैं, हम आएंगे तो जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला हुआ है, जो अलग का संविधान है और अलग का निशान है, उसको समाप्त कर देंगे। कहते तो है लेकिन करते नहीं। बहुत वाले जो हम लोगों की बहुमत में सरकार आ गई केंद्र में, तो आप लोगों ने देखा इसी 5 अगस्त को चुटकी बजाकर हमने यह दोहरी व्यवस्था समाप्त कर दी, दोहरी व्यवस्था समाप्त कर दी। अब भारत का झंडा अलग और जम्मू कश्मीर का झंडा अलग नहीं होगा। अब भारत का संविधान अलग और जम्मू कश्मीर का संविधान अलग नहीं होगा। अब जम्मू कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग बन गया है। अब दुनिया की कोई ताकत उसे हमसे अलग नहीं कर सकती है। अब इस देश में एक विधान, एक प्रधान और एक ही निशान होगा। इस बारे में हम लोगों ने पूरा कर दिया। और हम लोगों ने कई ऐसे वादे जो हम लोग करते थे करके दिखा दिया। अब राम जन्म भूमि अयोध्या की धरती पर हम लोग कहते थे हम आएंगे तो वहां पर भव्य राम मंदिर बनने का मार्ग हम प्रशस्त करेंगे। लोग कहते थे आप 30 साल से कह रहे हैं, किया नहीं। लेकिन आपने देखा कि हमारी सरकार आई, मामला अदालत में चल रहा था, हम लोगों ने कहा कि अदालत के फैसले की प्रतीक्षा करिए। अब इस देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। और बहनों भाइयों, अब दुनिया की कोई भी ताकत अयोध्या की धरती पर। राजनाथ सिंह लिट्टीपाड़ा में, पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने धनबाद में जनसभा को संबोधित किया। उनके भाषण में क्या कुछ खास था, ये इसकी चर्चा एक बार जरूर करेंगे। इस बीच हम आपको ये बता दें कि अधिकांश सीटों पर, रांची के अतिरिक्त अधिकांश सीटों पर मतदान के सिर्फ 1 घंटा का समय बच गया है। हम उसके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।